नमस्कार, मैं तनुजा आंगड़ आप सभी का स्वागत करती हूं IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। पाकिस्तान पर भारत की जीत में आज के दिन मनाया जाता है विजय दिवस। पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में भारत को 16 दिसंबर 1971 को बड़ी जीत हासिल हुई थी। इस जीत की स्मृति में प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। इसी दिन पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी बलों के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल AAK नियाजी ने भारत के पूर्वी सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद 17 दिसंबर को 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया गया था। इस युद्ध में पाकिस्तान की पराजय के बाद पूर्वी पाकिस्तान आजाद हो गया था, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद में आज के दिन की गई थी सलारजंग संग्रहालय की स्थापना। 16 दिसंबर 1951 को हैदराबाद में सलारजंग संग्रहालय की स्थापना की गई थी। यह संग्रहालय नवाब मीर यूसुफ खान सलारजंग तृतीय के महल में स्थापित किया गया था। मीर यूसुफ अली खान सातवें निजाम मीर उस्मान अली खान के शासन के दौरान हैदराबाद प्रांत के प्रधानमंत्री थे। माना जाता है कि सलारजंग संग्रहालय में विश्व का सबसे बड़ा निजी संग्रह है। संग्रहालय की 38 गैलरियों में 43,000 से ज्यादा कलाकृतियां, 9,000 पांडुलिपियां और 47,000 पुस्तकें हैं। सलारजंग संग्रहालय का मुख्य आकर्षण 19वीं सदी की ब्रिटिश संगीत में घड़ी है, जिसे इंग्लैंड से लाया गया था। ब्रिटिश संसद ने आज के दिन पारित किया था बिल ऑफ राइट्स। इंग्लैंड की संसद ने 16 दिसंबर 1689 को बिल ऑफ राइट्स अधिनियम पारित किया था, जो संवैधानिक मामलों और नागरिक अधिकारों को स्थापित करता है। यह विधेयक मूलतः कन्वेंशन पार्लियामेंट द्वारा किंग विलियम और क्वीन मैरी द्वितीय के समक्ष फरवरी 1689 में पेश किए गए डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स का एक रूप था। इसे इंग्लैंड की गौरवशाली क्रांति के बाद लाया गया था। बिल ऑफ राइट्स संप्रभु अधिकारों की सीमाएं तय करता है और साथ ही संसद के अधिकारों को भी अंकित करता है। फ्री टू एयर DTH सेवा DD डायरेक्ट प्लस का आज के दिन हुआ था शुभारंभ। दूरदर्शन की फ्री टू एयर DTH सेवा DD डायरेक्ट प्लस का 16 दिसंबर 2004 को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शुभारंभ किया था। DT फ्री डिश प्रसार भारती के स्वामित्व में निशुल्क टेलीविजन सेवा प्रदान करने वाली देश की पहली उपग्रह सेवा है। DD फ्री डिश को पहली DT डायरेक्ट प्लस के नाम से जाना जाता था। DD फ्री डिश में प्रत्येक 6 महीने में ई ऑक्शन का आयोजन किया जाता है, जिसमें ब्रॉडकास्टर अपने चैनल को DD फ्री डिश में जोड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।